लगभग 90% वोट खड़गे साहब को मिला। ये लोकतंत्र की जीत है, ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की मतगणना हुई है और जैसा आप सब जानते हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। लोकतंत्र में इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। जब आंतरिक डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा व्यापक चुनाव कराया, मतदान हुआ 17 तारीख को और आज लगभग 90% वोट खड़गे साहब को मिला। ये लोकतंत्र की जीत है, ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खड़गे साहब का जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना हम करेंगे और कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। उन चुनौतियों में राजस्थान भी है, उन चुनौतियों में राजस्थान भी है। राजस्थान में कैसे सरकार दोबारा सत्ता में आए, ये जिम्मेदारी है। इतना बड़ा चुनाव हुआ है, सारी बातें सबने सुनी है, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्त्री जी ने एक निष्पक्ष चुनाव कराया है और सब लोगों ने मिलकर इस चुनाव को अप्रिशिएट किया है। 9000 चुने हुए लोगों ने एक अध्यक्ष चुना है, ये किसी और दल ने आज तक नहीं किया है। हमारे यहाँ ओपन, ट्रांसपेरेंट और एक खुले माहौल में चुनाव हुआ, लोगों ने अपना मत दिया और आज भारी बहुमत से खड़गे साहब जीते हैं। और मैं समझता हूँ जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, जमीनी नेता हैं, एक दलित समाज से आते हैं, लेकिन पूरे कर्नाटक, पूरे देश में उनके राजनीति को लोग जानते हैं। हम सबके लिए बड़ा शुभ संकेत है, मैंने शुभकामनाएं दी है। मुझे पूरा विश्वास है आज हमारे जो विरोधी दल हैं उनके अंदर एक घबराहट महसूस हो रही होगी कि खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद नई ऊर्जा, नई ताकत और नए जोश के साथ तमाम कांग्रेसजन एकजुटता से आगे बढ़ेंगे।